हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं घर पे दूध से पेंडा बना के दिखाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पेंडा के लिए हमने गैस पे एक कढ़ाही ले लिया है। कढ़ाही में हम डालेंगे 1.5 लीटर दूध। तो ये फुल क्रीम दूध है। हम इसे तेज फ्लेम पे उबाल आने तक पकाएंगे चलाते हुए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपने दूध में उबाल आने लगा है। हमें इस स्टेज पे एक चम्मच की मदद से दूध को चलाते रहना है और चलाते हुए इसे हम गाढ़ा करेंगे, यानी कि पेंडा बनाने के लिए हम इसे खोया का रूप देंगे। तो ये तभी संभव है जब हम इसे चलाते हुए किनारे से ऐसे इसका क्रीम खुरचते हुए और मीडियम फ्लेम पे गाढ़ा करेंगे। टाइम तो लगता है पर इसका पेंडा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए हम इसे चलाते हुए गाढ़ा करके आपको दिखाते हैं। हमने दूध को आधा घंटा तक चलाया है। दूध की क्वांटिटी आधा से भी कम हो चुकी है पर हमें इसे और भी गाढ़ा करना है। तो आप देख लीजिए हम कैसे इसे किनारे किनारे से स्पैचुला से क्रीम को इकट्ठा करके बीच में ला रहे हैं और इसे चलाते जा रहे हैं। पेड़ा बनाना बहुत ही आसान है और ये शुद्ध पेड़ा बनकर तैयार होता है। थोड़ा मेहनत करें तो अपने बच्चों के लिए घर पे शुद्ध पेड़ा हम बना सकते हैं। ऐसे चलाते हुए हमें दूध को और 15 से 20 मिनट तक चलाना है, फिर तो पेड़ा अपना बनने लायक तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 10 मिनट तक और दूध को गाढ़ा किया तो अपना खोया तैयार हो गया, यानी कि मावा। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे और इसमें शक्कर डालेंगे। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ज्यादा मीठा पसंद है तो आधा आधा शक्कर भी डाल सकते हैं, यानी कि 200 ग्राम मावा में 200 ग्राम शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर डालने के बाद जब शक्कर मेल्ट होता है तो मावा अपना थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो इसे हम 10 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, फिर अपना ये पेंडा बनाने वाला शेप में हो जाएगा, यानी कि डो फॉर्म में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपनी खोया जो है एकदम इकट्ठा हो गया है, यानी कि कढ़ाही छोड़ने लगा है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर आपको पेड़ा बना के दिखाएंगे। मावा अपना ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे। हमने प्लेट में इसी के लिए निकाला था। अब हम पेंडा बनाएंगे। तो इसमें से जितना बड़ा आपको पेंडा बनाना है उतना बड़ा मावा ले लीजिए। हथेली पे इसे गोल कर लीजिए और एक अंगूठे की मदद से इसे हम प्रेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया होममेड पेंडा बनके तैयार हुई है। पेंडा के लिए हमें ना होटल जाना, ना हलवाई के यहाँ जाना, घर पे बिल्कुल शुद्ध पेंडा हम बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हम सभी पेंडा ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। हमने सभी पेंडे तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बिना मिलावट का शुद्ध पेड़ा घर पे बनाना कितना आसान है। तो इस दिवाली आप भी अपने घर पे शुद्ध पेड़ा तैयार कीजिए, अपने फ्रेंड को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, माँ लक्ष्मी का पूजा कीजिए। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।